तो फ्रेंड्स आज हम रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही क्रिस्पी करारे बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी बनाएंगे। आप इसका साउंड देखें। तो देखा दोस्तों आपने कितनी करारी जलेबी बनी हुई है और ये देर तक ऐसे ही क्रिस्पी करारी रहेंगी। आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे आपकी भी जलेबी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर जो हमने शीरा यूज़ किया है वो रस मलाई का बचा हुआ शीरा हम आज यूज़ करेंगे। हमने आपसे इस वीडियो में कहा था कि हम इसको फेंकेंगे नहीं, तो चलिए आज हम बनाना शुरू कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरा फॉर्ड के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। एक बाउल में हमें ले लेना है 3 बड़ा चम्मच मैदा या फिर 1/4 कप ले लीजिए। हमें यहाँ पर एक बैटर तैयार करना है। जैसे हलवाई पहले जलेबी बनाने से पहले जो है एक बैटर तैयार करते हैं, तो बैटर के अंदर हमने डाल दिया है लगभग 1/4 कप या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप जो है पानी डाला है। आप बैटर की थिकनेस देखिए, आपको ऐसे ही अंदाजे से पानी डालना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर दही। दही डालने से इसके अंदर फॉर्मेंटेशन जल्दी स्टार्ट होगी क्योंकि हमें इस बैटर को फॉर्मेंट करने के लिए पूरी रात रख देना है। दोस्तों इस वक्त रात का बज रहा है 12:30। मैं सुबह नाश्ते में ये जलेबी बनाऊँगी तो अभी गर्मी है, जल्दी से ये फॉर्मेंट हो जाएंगे। चलिए हम सुबह आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए रात भर बैटर हमारा रखा हुआ था, यही प्लेटफॉर्म पर हमने छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसके अंदर बारीक बारीक जो है ना वो बबल्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये जो मैदा है ये अच्छा खासा फॉर्मेंट हो गया है। आप देख रहे हैं राइस भी हुआ है। आपके पास अगर दही नहीं है दोस्तों तो आप जो है ना मैदे को ऐसे ही घोल करके रख दीजिए, लेकिन आपको फिर 2 दिन के लिए रखना होगा, फिर इसके अंदर जो है ना फॉर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है जी, हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये जो लगा हुआ था बैटर इसके अंदर, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके निकाल लेते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पानी। जितना बैटर मैंने ये लिया है ना फॉर्मेंटेशन वाला, इतने में आप 1.5 कप तक मैदा ले सकते हैं। मैं 1 कप अभी डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। एक बार में मैदा आपको नहीं डालना है दोस्तों, 2 से 3 दफ़ा करके आपको मैदा यहाँ पर डालते जाना है और मिलाते जाना है। तो ये आप देखिए कितना अच्छा बैटर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब लास्ट वाला जो मैदा है ये हम डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो है ना लम्स क्रिएट करेगा, यानी कि बैटर थोड़ा सा लंबी आपको नज़र आएगा। ये देखिए, तो फ़ौरन से हमें इसके अंदर यहाँ पर पानी डाल देना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस तरीके से मिलाना है क्योंकि अब जो है ना मैदे के अंदर ग्लूटेन फॉर्म हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए था। लेकिन मैदा जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत ग्लूटेन फॉर्म हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हमने और पानी डाल दिया है। किनारों को ज़रूर छोड़ाते रहें, ऐसा ना हो कि आप बीच में ले रहे हैं और किनारे सारे मैदा जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये देखिए, देखा आपने, मुझे 1 से 2 टेबल स्पून मैदा यहाँ पर और डालना है दोस्तों। तो चलिए मैं 2 टेबल स्पून मैदा यहाँ पर डाल लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है और 1 टेबल स्पून और मैं डाल करके मिला लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मुझे पानी नहीं डालना है और बैटर हमारा रेडी हो गया है। लेकिन ये जो बैटर है ना ये थोड़ा सा लंपी लग रहा है तो इसलिए मैं इसको 1/2 घंटे का टाइम दूँगी। ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पर। 1/2 घंटा लगभग होने वाला है जब भी हमने शीरा रख दिया है दोस्तों गर्म होने के लिए। ये हमारा वही शीरा है आप देख रहे हैं। जिन्होंने हमारा रसमलाई का वीडियो देखा होगा उनको ये चीज़ याद होगी कि ये वही कढ़ाई वही शीरा है। शीरा थोड़ा सा पतला है क्योंकि हमने रसमलाई जो है बनाया था, रसमलाई का शीरा जो है वो पतला होता है। तो यहाँ पर हम 1/4 कप या फिर 5 टेबल स्पून शुगर यहाँ पर डाल देते हैं ताकि शीरा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, जलेबी, ये सब के जो शीरे हैं ना वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो दोस्तों इनको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हम वापस इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब जो है ना इसका शीरा परफेक्ट हो रहा है। लेकिन 1 मिनट का टाइम मैं इसको और दूंगी ताकि ज़रा सा ये और गाढ़ा हो जाए। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस डाल करके आप जलेबी बनाएंगे ना आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी, हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और अब 1/2 घंटे के बाद हम बैटर को वापस देखते हैं। तो अब ये देखिए बैटर कितना सिल्की और स्मूथ हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अगर मैं उसी वक्त जलेबी बनाती तो ये नहीं बनता। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आज यूज़ कर रही हूँ ये जलेबी का कपड़ा जो हलवाई यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही बारीक सा एक नोज़ल लगा हुआ है, गोल सा। ये देखिए हलवाई यही कपड़ा यूज़ करते हैं। इसके किनारों पर पूरा जो इस तरीके से राउंड राउंड सी सिलाई हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड रहता है कपड़ा।
सेम यही कपड़ा यूज़ होता है इमरती बनाने के लिए, बट वहाँ पर एक लंबा सा ऐसे हाफ इंच का नोज़ल बाहर को निकला होता है पॉइंटेड, वो उससे इमरती बनती है। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो ये जो बॉटल है दोस्तों केचप की, ये हर घर में होती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो बॉटल है ना, ये मेरा जलेबी बनाने वाला ही है। मैंने हमेशा इसी से जलेबी बनाया था, अभी कुछ दिनों से मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जो ये बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, दूसरी तरफ हमारा शीरा भी रेडी है, अच्छा खासा वार्म है शीरा। बैटर ये देखिए रेडी है जलेबी बनाने के लिए। आप चाहें तो अभी जलेबी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक पिंच यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालूंगी दोस्तों। इसके डालने से क्या होगा कि जलेबी जो है ना वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रा सा एक पिंच मैंने डाला, वो भी पिंच कितना ज़्यादा बड़ा पिंच आपको नहीं लेना, बहुत ही मुन्ना सा लेना है। और ये देखिए बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। चलिए जी, अब हम फटाफट से जलेबी ड्रॉप करने की तैयारी करते हैं। तो एक बाउल में हमने ऐसे कपड़ा लगा लिया है और अब हम इसके अंदर बैटर डालेंगे। तो दोस्तों जो टिप की बात थी वो ये थी कि आपको जो है ना सबसे पहले तेल के टेम्परेचर का आपको बहुत ध्यान देना है। आपका ऑयल जो है ना वो बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, उसमें से हल्का सा जब धुआं निकलने लग जाए तो आप मीडियम की फ्लेम करिए और फिर जलेबी बनाना शुरू करिए। क्योंकि अगर ज़रा भी तेल ठंडा रहेगा तो जलेबी फूलेगी नहीं, फ़ौरन से फ्लैट हो जाएगी। चाहे आप कितना भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें डाल दीजिए, वो नहीं फूलेगी और चुई हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है ना जलेबी फ्राई पैन में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में बड़ी कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई तो है लेकिन फ्लैट कढ़ाई नहीं है। जलेबी जो है हलवाई लोग फ्लैट कढ़ाई में बनाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने एक लेस बनाया है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं तीन जलेबी का एक साथ में लेस, बट एक ही मैं बना पाई हूँ क्योंकि हमारा फ्राई पैन छोटा है। तो हमने एक एक अलग सेपरेट पे भी बना दिया है, आपको दिखा दिया है। कढ़ाई होती तो इस तरीके का लेस जो है ना मैं तीन अलग अलग निकालती, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हलवाई की कढ़ाई में जलेबी दिख रही है, ऐसा फिर आपको नज़र आता। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, जलेबी तो हमारी बन ही गई है। अब हम शीरे के अंदर इसको डालेंगे। शीरा हल्का सा वार्म है, यहाँ पर मैंने दो पहले से डाल दिया था शीरे के टेम्परेचर को देखने के लिए। जलेबी एकदम गर्म, शीरा बहुत ही लाइट वार्म। जैसे ही आप जलेबी शीरे में डालेंगे ना, ये फ़ौरन से हैवी हो जाएगी, क्योंकि इमिजिएटली ये अपने अंदर जो है ना शीरे को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको क्या करना होगा, फ़ौरन से उसको पलट देना है, और पलटने के बाद में बस आपको फ़ौरन निकाल लेना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा देर तक शीरे के अंदर जलेबी को छोड़ा तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी, बहुत ही कुछ मतलब एक आध मिनट के लिए रहेंगी ये क्रिस्पी, उसके बाद ये फ़ौरन से सॉगी हो जाएंगी। तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जलेबी बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको टिप्स जो है वो ध्यान में रख करके बनाना है जलेबी, तो आप भी एकदम परफेक्ट जलेबी बना पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि एकदम हलवाई की जैसी शेप में मेरी जलेबी नहीं बनी है, ज़रूर इसके शेप में हलवाई के शेप में फ़र्क है, लेकिन ये जलेबी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। क्योंकि जब शीरा अब्जॉर्ब कर लेती है ना तो फिर इसका जो शेप है ना वो अच्छा लगने लगता है। ये देखिए थोड़ा सा ही टेढ़ा मेढ़ा हुआ है दोस्तों, बट ये जलेबी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो ही आपको लगेगा कि हाँ, आपने बिल्कुल परफेक्ट सही जलेबी बनाया है। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल मैं फिर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।